सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंकफुल टू CFFI, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी ये बच्चे बहुत खुश हुए हैं और इनको यूजी कोर्सेज हो रहे हैं। हमें थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करें, आपका क्या विजन है और मुस्तकबिल में आप इन बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके दिल में क्या आया कि आप कैनेडा से जो है आप लोगों ने यहाँ आकर बच्चों को सपोर्ट करने का सोचा था। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह हमारा सेकेंड स्विंग ट्रेनिंग सेंटर है पाकिस्तान में और CFFI कैनेडियन फ्रेंड्स फ्रेंच इंटरनेशनल हमने रजिस्टर 2014 में करवाई और ये हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक हमारे लिए था कि हम पाकिस्तान में खवातीन के लिए कुछ काम करें। और सिंध में हम ऑलरेडी स्कूल चला रहे हैं जिसमें जमान साहब डील कर रहे हैं और नईम साहब पंजाब में। और यहाँ पर क्योंकि हमें ये था कि खवातीन में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगी। जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगी तो फैमिलीज को ज़्यादा बेटर टेक केयर कर सकेंगी अपने बच्चों की और उनकी जो एजुकेशनल नीड्स होती हैं। डेफिनेटली फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड, हमारी पूरे पाकिस्तान में खवातीन की बहुत बड़ी तादाद अनएम्प्लॉयड है बिकॉज उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो CFFI ने हमारे चेयरमैन अब्दुल हमीद साहब की गाइडेंस में ये प्रोग्राम बनाया कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़्यादा इंकरेज करें, क्योंकि आप लोगों को अगर आप फीड करते रहेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी। आप उनको ऑनर के साथ वो चीज़ बताएं जैसे फिश पकड़ने का बताएं, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो रिस्पेक्ट है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस है वो नेचुरली आएगा, क्योंकि वो जब अर्न करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने घर के अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पे वो सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान की सपोर्ट ज़्यादा होगी जिसकी हमें ज़रूरत है। और इसी से पाकिस्तान में चेंज आएगी जब हमारी हाफ फैमिलीज़ के जो मेंबर होते हैं क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि अगर वो घरों में हैं उसको यूटिलाइज तभी किया जा सकता है कि वो स्किल कोई भी नहीं, चाहे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग हो या ब्यूटिशन के कोर्सेज हो। और मैं ये मैसेज दूँगा कि जो लोग हमारा ये मैसेज सुन रहे हैं वो भी अगर हम एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी कैनेडा में बैठ के यहाँ पर लाहौर में या सिंध में ये काम कर सकते हैं तो वो भी अपने एरियाज में जहाँ पर वो कम्फर्टेबल हो इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप तभी हम लोग तरक्की करेंगे। थैंक यू।